स्टार्टअप। भाई बहुत बढ़िया। चार साल के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा इतनी। ये सरकार नहीं मानेगी तो पहले जो किसान ने किया था उससे भी भयंकर होगा। और आपके परिणाम आप देख रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं, परिणाम आप देख रहे हैं और इससे भयंकर परिणाम होगा। जाएंगे जो किसान प्रदर्शन करेंगे और सारे भाई इकट्ठा होंगे और वही माहौल होगा जो किसान आंदोलन के समय हुआ था। किसान भाई पलोल में देख लो। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे युवाओं ने नारनौल के महावीर चौक पर अचानक सुबह के समय जाम लगा दिया और अपनी मांगों पर अड़े रहे। वही पुलिस लगातार युवाओं को समझाती रही और जाम खुलवा दिया। इस बात प्रदर्शनकारियों को समझाने के बाद इन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नारनौल के हीरो होंडा चौक पर सुभाष पार्क में प्रदर्शन करते रहे और उग्र हो गए। इसी बीच प्रदर्शनकारी उग्र हुए और पुलिस समझाती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। जब पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पर चोट भी लगी है। वीओ इसके बाद प्रदर्शनकारी उपायुक्त निवास के सामने पहुंच गए, वहां लगे बैरिकेड्स पर पथराव कर उन्हें तोड़ दिया। इसके बाद उग्र प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और लाठी डंडों से पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें किस तरह से बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद उग्र प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए बस स्टैंड पहुंचे, जहां गुरुग्राम डिपो की बस पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए। वही बस स्टैंड के बाहर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे, लेकिन पुलिस समझाती रही, वे लोग नहीं माने। इधर उधर गलियों में घुसकर पथराव किया और मीटर तक तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने फिर समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसी बीच पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते कि सिटी एसएचओ और डीएसपी नरेंद्र सागवान की मौजूदगी में लाठी चार्ज हुआ, जिसमें सिटी एसएचओ अपने अधीनस्थ कर्मचारी को क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारी पुलिस की मौजूदगी में हीरो होंडा चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जब लाठी चार्ज को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो पुलिस लाठी चार्ज के लिए मना करती रही। आपको बता दें कि अभी तक कैमरे में कैद हुई गिरफ्तारी के बारे में भी पुलिस मना करती रही, लेकिन आपको बता दें कि लगभग 2 दर्जन के आसपास प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं डीएसपी के बयान अनुसार नारनौल में धारा 144 लागू कर दी गई है और प्रदर्शनकारियों को समझाया जा रहा है के महावीर चौक पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड लगाकर चारों तरफ का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। इसे भेज पुलिस बार बार नहीं समझ आती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसी बीच पुलिस ने दोबारा से लाठी चार्ज किया। दुकानों में पुलिस का सर्च अभियान जारी, प्रदर्शनकारियों की तलाश में जुटी पुलिस दोबारा से किया लाठी चार्ज। तक जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, जैसे जाम लगा रहे हैं, बस स्टैंड वजह से बस के साथ तोड़ फोड़ की है, तो हम समझा बुझा के इनको जो कोशिश कर रहे हैं जिस तरह लोगों की गिरफ्तारी हो पाई अभी तक इस बारे में मेरे को नहीं पता। वहीं अगर इन प्रदर्शनकारियों का भी कहना है कि हमारे ऊपर भी जो है लाठी चार्ज किया गया है, अभी तक हमारे ने तो किसी के ऊपर कोई लाठी चार्ज नहीं किया, कोई भी किसी किस्म की अगर कहीं दाएं बाएं गिरफ्तारी की गिरफ्तारी का पता नहीं अभी जो ना क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम तो फील्ड में ही अभी जगह जगह ये जो ना जाके जाम लगा रहे हैं और कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो धारा 144 का कोई उल्लंघन या कोई नियम जो है, धारा 144 का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। जब धारा लगाई जा चुकी है सर, लगाई जा चुकी होगी, लगाई जा चुकी है धारा 144, वो इनको समझा दिया गया सभी। ठीक है सर, आप यहाँ पे आपकी ड्यूटी लुकते आपको लोगों की गिरफ्तारी का तो पता ही होगा, लगभग कितने युवाओं को अभी पकड़ा? मैं आपके सामने, आप मेरे सुबह से मेरे साथ हैं, आप बता दो कितने आदमी गिरफ्तार किया सर? लगभग 20-22 साथियों जो आएंगे, मैं लॉ एंड ऑर्डर के उसी में लगा हुआ हूँ। पथराव भी हुआ? पथराव जो बस स्टैंड के ऊपर जो है ना, बस के शीशे वगैरह तोड़े गए, लगी होगी शायद चोट। भाई साहब आपका नाम? आशीष शर्मा है, दानोता से। भाई साहब आशीष जी, क्या मामला है? सर ये टीओडी वाला मामला है, इसमें सरकार 4 साल के लिए बच्चे भर्ती कर रही है। अब 4 साल जो बच्चा भर्ती होगा वो 4 साल के बाद करेगा क्या, अदर जो उसकी जो है भर्ती देख नहीं सकेगा। ठीक से 5 साल तो इन बच्चों ने गोड्डे घस दिए रेस कर करके, और इनका जो पेपर कैंसिल हुआ है वो उसको दोबारा कराओ, इनके जो भी रिजल्ट था ना वो दोबारा, और जो
TOD है ना, इसको रद्द कर दो, और अगर ये TOD लागू करते हैं या और कुछ करते हैं तो ये सिस्टम फिर नेताओं के साथ भी कर दो। अगर सरकार और भाई एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, और जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग रुकी हुई है ना उसको पूरी की जाए, ये भर्ती जो भी है पूरी की जाए, और पहले की तरह जो चलता था ना भर्ती का प्रक्रिया वो उसी तरह। आप इस योजना का विरोध कर रहे हैं, सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मांगती तो ऐसे में आप क्या करेंगे? हम धरना करेंगे जो किसानों ने किया, वही करेंगे जो धरना प्रदर्शन करेंगे, और सारे भाई इकट्ठा होंगे, और वही माहौल होगा जो किसान आंदोलन के समय हुआ था। किसान भाई पलोल में देख लो क्या। मेरा नाम सुरेंद्र है, और सबसे पहले सरकार जो TOD है इसको बंद हो गई, बंद करना होगा, वापस लेना पड़ेगा। दूसरी बात, जिसका पेपर हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, पेपर बच रहा है, मेडिकल हो लिया, फिजिकल हो लिया, उनका पेपर कराओ, और जो एयरफोर्स हैं उनका रिजल्ट बच रहा है फाइनलिस्ट, उसको करो। और ये सरकार नहीं मानेगी तो पहले जो किसान ने किया था उससे भी भयंकर होगा, और आपके परिणाम आप देख रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं, परिणाम आप देख रहे हैं, और इससे भयंकर परिणाम होगा। जय हिंद। मैं मधुकर हूँ जोरासी से, और सर मैं ये चाहता हूँ कि TOD वापस हो, ये बच्चों के लिए गलत है। 4 साल के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा इतनी, आपको पता है आर्मी का फिजिकल कितना हार्ड होता है, और पहले भी जो एग्ज़ाम रुके हुए हैं भर्ती के, एयरफोर्स के भी रुके हुए हैं, तो सभी भर्ती के एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट करें, और इनकी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया वो बढ़ाएँ, और जो सरकार पहले से जैसे कर रही थी ना भर्ती को उसी तरह से करें, उसी सिरे से। ये बच्चे का ज़िंदगी ख़राब करना है, 4 साल के लिए कोई नौकरी नहीं होती, आपको पता है। फिर क्योंकि बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए, हार्ड ट्रेनिंग के लिए कोई नहीं जाता 4 साल के लिए। बस ये है कि अपना कार्रवाई अच्छे से, अगर मोदी नहीं करेगा तो हम करवाएंगे, जैसे किसानों ने किया था NTPC में हुआ था वैसे अभी होगा। तो अगर सरकार को मतलब कि ये गलत तरीके से प्रदर्शन करवाने हैं तो सरकार नहीं माने, अगर प्रदर्शन नहीं करवाने और सुख शांति से काम करवाना है तो हमारी बातें माने, और आगे मतलब कि जो भर्ती है तरीके से चली थी वैसे चलने दे, बस हमारा यही कहना है, और हम प्रदर्शन कर रहे हैं आगे। अगर होना है कुछ तो बहुत जल्दी करे, उन सरकार को सूचित कर दो आप, नहीं तो हमारा फिर वही प्रदर्शन रहेगा जैसे रेलवे में रहा था, बस यही कहना चाहते। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, मैं इस बस का चालक हूँ। अचानक 10-15 लड़के आए इधर से, और आके उन्होंने पत्थर मारा, ये पत्थर पड़े हैं शीशे पड़े, 6-7 शीशे तोड़ दीजिए अचानक बस के। मैंने उनको धमकाया भी, वो भाग गए, फिर हमारे जो अफसर लोग थे उन्होंने भी धमकाया उनको, वो इधर कोई नहीं रुका, सब भाग गए। पीछे से पुलिस आई है, बुलाया पुलिस वालों को, उन्होंने फिर उनको भगा दिया। एक बस और थी उसको भी शीशे वगैरह फोड़े उसने। ये ऐसे नुकसान करने से कोई नौकरी कोई थोड़ी मिलेगी किसी को, काम करो तो ढंग से करो। ये कौन से बस स्टैंड की बात है, किस डिपो की बस है? ये गुड़गांव डिपो की बस है जी, फिलहाल नानोड़ डिपो में खड़ी है, नानोड़ बस स्टैंड पे नाइट करती है यहाँ पे। अब इसका टाइम है सुबह जाने का, यहाँ से 9:40 के बाद लगती है, 10 बजे चलने का टाइम है। मैं बस के पास आ ही रहा था, तुरंत उन्होंने पत्थर वत्थर मारने शुरू करे इसके बाद।